अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 है। हम मूवमेंट ऑफ मसल्स स्टडी करें तो उसका नेक्स्ट पार्ट है। बाइसेप इज द फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन, वाइल ट्राइसेप इज द एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। तो अब आपके पास डेफिनेशन आ रही है बाइसेप की एंड ट्राइसेप की। बाइसेप क्या होंगे? फ्रंट ऑफ आर्म, यानी कि आर्म्स के आपके फ्रंट पे, यानी कि ये वाले हैं। ट्राइसेप क्या है? आर्म के बैक साइड पे, ठीक है, बैक ऑफ आर्म। आपके बैक ऑफ आर्म, आर्म के बैक साइड पे जो मसल्स हैं नीचे वाले वो ट्राइसेप हैं, ऊपर वाले क्या हैं? बाइसेप्स हैं। अब आपने पीछे पढ़ लिया होगा फ्लेक्सर क्या होते हैं और एक्सटेंसर क्या होते हैं। फ्लेक्सर ऐसे मसल हैं जो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्म को क्या करते हैं? बेंड करते हैं। तो जाहिर बात है जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये आपका ये आर्म है, ये देखिए क्या है, बेंड हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है ना ऊपर की तरफ। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? फ्लेक्सर मसल। बाइसेप को फ्लेक्सर मसल और ट्राइसेप को एक्सटेंसर मसल, ठीक है। एक्सटेंसर मसल इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका यही बाजू क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इससे ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब ये मोटा हो गया ना, पहले ये मोटा था, थिक था, तो ये बैंड हो रहा है। अब ये थिक है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आर्म क्या हो गया? सीधा। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? एक्सटेंसर मसल। बोथ दिस मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट पॉइंट एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। जो इसका ओरिजिन क्या था? जो इमूवेबल बोन है उस पर होता है। तो इसका इमूवेबल बोन कौन सी है? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मीन ये जो आपका शोल्डर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल है। और जो इंसर्शन है, इंसर्शन आपने किसे कहा था कि ऐसा पॉइंट जब मसल्स मूवेबल बोन पे जॉइंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। तो जो इंसर्शन इसका पॉइंट है, ये इस फोर आर्म है, ये आपका ये फोर आर्म है ना, तो फोर आर्म के साथ अटैच होता है। ये देखिए यहाँ से इधर अटैच है, तो ये इसका एक्सटेंसर है, ये इसका ओरिजिन है, ये पेक्टोरल गर्डल है, ये इसका ओरिजिन, यानी कि इमूवेबल बोन। ये बोन ने तो मूव नहीं ना करना, ये वाली बोन ने मूव करना है ना, तो ये आपका इंसर्शन है। एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोरआर्म व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जारी बात मैंने आपको पहले बता दिया, जब बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट होना है आर्म ने बैंड होना है। द फोर आर्म इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ आएगा। इट इज़ द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको पीछे आपने एंटागोनिस्ट पढ़ा है, तो ये नीचे वाला क्या होगा? रिलैक्स होगा। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये ट्राइसेप मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका आर्म क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। फोरआर्म इज पुल्ड डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इट इज़ द एक्सटेंशन एट एल्बो ज्वाइंट, अब ये एल्बो ज्वाइंट की क्या हो रही? एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन और रिलैक्शन हो रही थी और ये एक्सटेंशन हो रही है। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्सेस, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब ट्राइसेप, तो बाइसेप क्या होगा? रिलैक्स होगा। इन दिस वे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है। ये मसल्स एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, यानी कि दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। सिमिलर पेयर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, आपके जिस किसी भी जॉइंट पर मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके फिंगर वाले जॉइंट्स हैं ये वाले, तो इधर भी क्या हो रही है? आपकी रिलैक्सेशन भी हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। दोनों साइड पे दो तरह के मसल्स हैं, बैक साइड पे भी और अपर साइड पे भी। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ से काम करते हैं, इसलिए से हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।